मॉर्निंग, सत श्री अकाल जी, कैसे हो? वेलकम आप लोगों का यूरोप की कल्चरल कैपिटल। तो ये शॉपिंग स्ट्रीट आ जाती है, ये भी ओल्ड टाउन की शॉपिंग स्ट्रीट है। ओल्ड टाउन को उन्होंने तीन चार हिस्सों में डिवाइड किया है, जो बार और क्लब की सीट्स अलग है, शॉपिंग के अलग है। क्या है ये ग्रीक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या है हरकुलिस के टाइम का। आई डिसाइडेड टू मी हरकुलिस, ये लिखा हुआ है। ये वाला पिलर भी, वो वाले सारे पिलर भी। ये बड़ा प्यारा सा ओल्ड ऑर्थोडॉक्स चर्च है जी। इनसाइड वीडियो अलाउ नहीं है, ये समझ नहीं आता अपने को तो, कि अगर ग्रुप के साथ ये लोग एंट्री करते तो यू हैव टू पे द 20 बुल्गेरियन। यहाँ पे गुरुद्वारों में, मंदिरों में हम फ्री एंट्री देते हैं, बट अंदर से बहुत खूबसूरत बना हुआ है ये चर्च, आप अंदर जा सकते हो। मेरे को थोड़ा सा पगड़ी का इशू लेके ऑर्थोडॉक्स चर्च के अंदर थोड़ा सा इशू बन जाता है, वो पगड़ी को लेके उनको ये लगता है कैप है, अलाउ नहीं करते हैं, इसलिए मैं काफ़ी चर्चेज में जाता नहीं हूँ, बाहर से ही होके आ जाता हूँ। जहाँ पे वो पूछ लेता हूँ, जहाँ पे अलाउ करते हैं वहाँ पे चले जाते हैं। अगर आप फ्री टूर नहीं लेना चाहते ना, तो ये एक बेस्ट तरीका है घूमने का। ये हर जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं, साइन बोर्ड से आप घूम सकते हो बहुत प्यारे पे, आराम से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये ओल्ड टाउन का ही कोई गेट है। अब हिस्ट्री तो इसकी वो आंटी बुल्गेरियन में बता रही थी, मेरे पल्ले नहीं पड़ी है, पर यहाँ पे आपको पूरी वाइब मिलेगी कि ये शहर 500 CC BC है। ये स्टोन देखिए वॉल के, और पहले क्या होता वुडन भी लगती थी स्टोन्स के अंदर, आपको पूरी हर वॉल के अंदर वुडन नज़र आएगी यहाँ पर लगे हुए। तो ये ओल्ड टाउन का मेजर एक एरिया है देखने लायक, और आई थिंक ओल्ड टाउन में आपको एक बार आओगे, थोड़ा सा वॉकिंग का है, अदरवाइज आपको मज़ा आएगा यहाँ पे घूमने का। मैं अभी बहुत प्यारे मेरे के दोस्त मिले लंदन से, बेसिकली मेरे को फ़ोटो खिंचवानी थी सिंगल बंदे का, यू नो इट्स प्रॉब्लम फॉर द सिंगल मैन, सो आई गिव रिक्वेस्ट टू दिस गाय, दे आर टेकिंग माई पिक्चर, बट दे आर स्पीकिंग वेरी वेल हिंदी। हाउ टू स्पीक, कैसा है एंड एवरीथिंग? कैसा है ठीक है। रियली लाइक दैट एंड आई एम रियली थैंकफुल टू दैट गाय सी टेकिंग माई वेरी गुड पिक्चर। और बहुत अच्छा लगता है जब कोई एक अब्रॉड से पर्सन आपकी अपनी भाषा में पूछता है हाउ आर यू, कैसा है, मीन जस्ट हाउ आर यू या एवरीवन लाइक व्हेन यू आर स्पीकिंग हिज ओन लैंग्वेज। आई यूज्ड टू लिव ऑलवेज इन द कम्युनिटी वेयर वी आर इंडियन कम्युनिटी, आल्सो अप्रिशिएट द फूड, यू नो, चिकन टिक्का, चगबाजी, chicken is, masala, yeah, basically, you know, UK people are really like the Indian cuisine. It's made of a lot of spices. All the food. There was another one that I liked very much. I don't remember the name. You know, because they look like sometimes the food from the northeast of Brazil. Yes. So it look like the taste and also the spice as well. Yes, spices, you know? Major Indian cuisine is made for the spices, not for the food. It is a game of the spices. How many spices you using? Also, I was telling to a couple of Indians that I met. I said, see, in Goa, there is a drops in India. There is a medicine for glaucoma. Named Dohtas. Dohtas. Okay. D-O-R-T-S. That's the name of one of my ancestors. Oh. He was going to India, run away. Okay. He was Jewish. Yeah. Was okay. Jewish people are many living in Kerala and Goa. And they were. He was a doctor, naturalist doctor. Okay. Working with herbs and everything. Okay. So he created this medicine, and today. This medicine was based in his findings. एक गैलरी में बैठा हूँ जी, ये भी आर्ट गैलरी है ओल्ड टाउन के अंदर, बड़ी प्यारी सी, बड़ी खूबसूरत सी गैलरी है। एक्चुअली इनसाइड फिल्मिंग अलाउ नहीं है, तो बाहर बैठा हूँ। बाहर एक बड़ा प्यारा सा गार्डन भरा है, थोड़ा सा थक गया था मैं, कहा चलो यहीं पे रेस्ट कर लेते, हालांकि आज वेदर बहुत ही अच्छा है। तो ओल्ड टाउन के अंदर इतना कुछ ही है देखने के लिए। शाम को हम क्या करेंगे, एक बार आपको जितनी यहाँ पे पार्टी एरियाज हैं, क्लबिंग वाले एरिया हैं, उस सब एरिया का आपको एक बार व्यू दे दूँगा, कि सो दैट अगर आप यहाँ पे, वैसे तो आज संडे है, आज भी यहाँ सुपर पार्टी होती है, सैटरडे भी बहुत अच्छी पार्टी होती है, अगर आप लोग पार्टी करना चाहें तो उसके लिए भी आपको शाम को व्यू दे दूँगा। ये गैलरी का सारा बाहर का है जी,
आर्ट गैलरी है बेसिकली, हिस्टोरिकल टच दिया हुआ है, आप अंदर जाके एंजॉय कर सकते हैं। आर्ट पीपल को तो बहुत ही पसंद आएगी। ये ओल्ड टाउन की लास्ट साइड है, ये देखने लायक जो ओल्ड टाउन ख़त्म होते ही आती है। ये पहली साइड थी मतलब के जहाँ पे इनको 351 सेंचुरी बीसी के स्टोन्स मिले थे। तो ये पोलदोव के अंदर जो सात पहाड़ियों वाला शहर है ना, उसके अंदर ये थर्ड माउंटेन पे है। तो यहाँ खंडर ही है, पत्थर ही पत्थर है, बट ये भी काफ़ी अहमियत रखती है जी ओल्ड साइड के अंदर। और यहाँ से आपको पूरे शहर का नज़ारा मिल जाएगा। जो सात पहाड़ियाँ ये कहते हैं ना, उनमें से ये दो पहाड़ियाँ भी हैं, उनके पीछे ये भी है। ये कुछ सात पहाड़ियों को ऐसे गिनते हैं। और यहाँ से आपको पूरी सिटी का व्यू मिल जाएगा। यहाँ पे सनसेट बहुत खूबसूरत होता है, लोग सनसेट देखने आते हैं। यहाँ पे आपको लगेगा जैसे पूरी नई सिटी कंस्ट्रक्ट हुई है। और अभी ओल्ड टाउन में खड़े होकर देखोगे तो फिर आपको लगेगा कि पूरी सिटी ही पुरानी है। बट दोनों का कम्बिनेशन अच्छा है। कल्चरल सिटी है, यूरोप की अवार्ड विनिंग सिटी है, तो डेफिनेटली डिज़र्व तो करती है एक विज़िट तो। हाँ, बाकी दो तीन दिन आराम से अब अगर आप देखना चाहो, दो तीन दिन लग सकते हैं इस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। लो जी, बुल्गेरियन मैरिज देख लो, चर्च में होनी जा रही है। ग्रूम और ब्राइड भी आ गए हैं, दूल्हा दुल्हन भी आ गए हैं, उनके पीछे ये रंग बिरंगी परियां हैं। ये पता नहीं क्यों कल्चर होता है ना, मेरे को एक्चुअली क्रिश्चियन मैरिज का पता नहीं है। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब लोग। दोपहर को आके मैं सो गया था, थकावट बहुत हो जाती है वॉकिंग करके। अभी आपको ना ओल्ड टाउन की जो बेस्ट प्लेसेस हैं, जो मैं भी दोपहर को सोच रहा था, यहाँ खाने के लिए बहुत सी जगह नहीं है, तो नहीं यहाँ पे बहुत सी जगह हैं, दोपहर को मैंने वॉकिंग करके देखी थी, तो वो आपको दिखाऊंगा। ये ऐसी छोटी छोटी स्ट्रीट्स के अंदर ये बार बने हुए हैं, उस तरफ से भी जो स्ट्रीट्स आ रही है वो सारी बार के अंदर भरी हुई है, आपको दिखाता हूँ। अभी बजे हैं शाम के 7, तो मेरे को लगी है भूख, तो मैं खाना खाने ही निकला हूँ। तो मैंने एक लोकल रेस्टोरेंट देखा था, आपको ऐसे भी मिल जाएंगे डोनर की शॉप्स चिकन के अंदर। ये डोनर की शॉप्स में आपको पाँच के अंदर वो बहुत अच्छा खाना मिल जाएगा। अप्रॉक्सीमेट इंडियन करेंसी में 210-220 रुपये बनते हैं, और बहुत हाई क्वांटिटी में। तो अभी मैं ट्राई करता हूँ एक लोकल रेस्टोरेंट के अंदर खाने का, क्योंकि मैंने वो आफ्टर जब मैंने सुबह खा चुका था तब मैंने ढूंढी थी। रेस्टोरेंट तो बहुत बढ़िया था, मैं दोपहर को आया था, दोपहर को उसके बाद सारी डिशेस थी। अभी ये हो गया कि वो ख़त्म है जी, आप पता नहीं शाम को बनाए ना बनाए। आपको एक और रेस्टोरेंट में लेके चलता हूँ, अगर उसके पास हुआ, वो बना रहा है डोनर। तो डोनर मैंने दोपहर को भी खाया था, तो अभी मेरा मन नहीं था डोनर खाने का, बट अभी ऑप्शन कोई नहीं बची है, चलो डोनर ही खाते हैं। तो दोपहर को संडे की वजह से मेरे ख्याल से ओवर क्राउड होने की वजह नाल रश ज़्यादा है। एक यहाँ पे एलेक्स रेस्टोरेंट है जी, वो अपने डोनर के लिए बड़ा फेमस है, तो उसके पास चलते हैं, उसके पास देखता हूँ जाके, क्योंकि उसके पास दोपहर को लाइन लगी थी, वेंडिंग मशीन लगी है, वेंडिंग मशीन में आप ऑर्डर कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया है उसका भी। तो चलिए मैं देखता हूँ, वेंडिंग मशीन में ऑर्डर करने की कोशिश करता हूँ। ये वेंडिंग मशीन, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इंग्लिश नहीं है इनकी, और यही पंगा है इसका, यही पंगा है, बाकी सब ठीक है, बट वही इंग्लिश की वजह से पंगा हो जाएगा। ऑर्डर कैसे करना है, बंदा ही बुला लिया, मैं कहा भाई मेरे से ऑर्डर नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी मशीन इंग्लिश उठा नहीं रही है। तो ये उसकी शॉप है, वो पिज़्ज़ा के स्लाइस भी आप ले सकते हो, डोनर भी ले सकते हो। डोनर चिकन में ही है, बीफ नहीं है, ये सबसे बड़ी बेस्ट है। आप पिज़्ज़े का स्लाइस भी ले सकते हो, बट इसमें ये पंगा है कि मेरे को चिकन और बीफ का पता नहीं है, इस वजह से मैंने पिज़्ज़ा नहीं लिया, डोनर ही लिया है। और आप उसको बोल के
स्पाइसी बनवा सकते हो कि उसको बोलो स्पाइसी बना देगा वो आपके, क्योंकि ये बहुत फीका फीका होता है, थोड़ा सा स्पाइसी ही अपना टेस्ट बन जाता है। इसका पिज़्ज़ा भी अच्छा है जी। इसके बाद दोपहर को मतलब के ये कह लो कम से कम 100 बंदों की लाइन लगी हुई थी, तो दोपहर को ऑलरेडी मैं पैक था। वो सबसे बढ़िया कोक की बोतल भी यहाँ पे 1.8 की मिल गई, अदरवाइज़ बाज़ार में 2.5 की है। इसके रेट जेन्युइन है, पर आपको वेंडिंग मशीन से ऑर्डर करके यहाँ से ऑर्डर लेना होगा। लंच कम डिनर आ गया जी, क्योंकि लंच कम डिनर ये है कि मैंने ब्रेकफास्ट ही 12-1 बजे करता हूँ, शाम को फिर 6 बजे एक मील हो जाती है। टोटल 2 मील ही रहती है मेरी ट्रैवल में, क्योंकि घर पे तो चल जाती है 3-3 मील, यहाँ पे कौन अरेंज करे बार बार। ये आपको दिखाता हूँ, यहाँ डोनर के अंदर ये है, डोनर के अंदर ना चिकन और फ्रेंच फ्राई इतने डाल के देते हैं, साथ में स्पून देते हैं कि सो दैट आप स्पून के साथ खा सको। तो लिए मैं अपने डोनर को एंजॉय करता हूँ। ये यहाँ और भी सामने फूड स्टॉल बने हुए हैं, वो भी एक डोनर वाला है, उसके ऊपर भी आप डोनर खा सकते हो। आंटी को ये लगा कि मैं उसकी वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे कोरियन देख रही थी। ये जो सुबह की शॉपिंग स्ट्रीट दिखाई थी उसका पिछला हिस्सा है, वो सुबह हमने शूट नहीं किया था। ये बिल्ला यहाँ का सुपरमार्केट है जी, सुबह 7:30 से रात को 10 बजे तक खुला रहता है। आप BNB में रुक रहे हो, आपको ग्रोसरी चाहिए तो बिल्ला से सस्ती कुछ नहीं मिलेगी, हर चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे आपको। अभी मैं अपना डोनर खा रहा था जी, तो एक फैमिली आई, यहाँ भी गरीबी मतलब के आपको जिन्हें बताया ना था, मैंने वीडियो में बताया था कि यूरोप का दूसरा सबसे गरीब मुल्क है मोल्दोवा के बाद। ये गरीबी यहाँ भी बहुत है, बट मैंने वो एक होता है हर आप पर्सन का स्वभाव, तो मैं कुछ ऐसी नेगेटिविटी शूट नहीं करता जिससे कुछ रॉन्ग इफेक्ट पड़े मुल्क के बारे में, क्योंकि हम जजमेंट देने के लिए सबसे पहले तैयार बैठते हैं। तो एक फैमिली आई, उन्होंने मेरे से कुछ खाने को मांगा, तो मैंने डोनर लेके दे दिए। मैं शूट नहीं करता इन सब चीज़ों को, जो भी अगर परमात्मा मेरे से कुछ अच्छा काम कराता है, बताने का भी एक रीज़न है। आप कई लोगों ने बोल देना बता क्यों रहे हो अगर शूट नहीं करते हो। ये अपनी बेकरी बड़ी फेमस है, इनके पास सुबह से बनाने शुरू करते हैं, शाम तक सब ख़त्म हो जाता है, अभी कुछ भी नहीं है इनके पास। तो मैं जो बात कर रहा था वो बताने का भी एक रीज़न है कि शायद मैं वो चीज़ शूट कर लेता उसे, वरना भी मेरे से एक परमात्मा ने अच्छा काम ऐसे करवाया था, शायद वो मैं चीज़ शूट कर लेता, आप लोगों की मेरे को क्या कह सकते हो कि ब्लेसिंग मिल जाती, पर मैं उस परमात्मा की नज़र के अंदर बहुत नीचे गिर जाता। क्योंकि कारण पता क्या है, जब हम किसी को कुछ देते हैं वो अपनी जेब से नहीं देते हैं, ये सोच के चलना। अगर उसने परमात्मा ने हमको दिया है तो हम दे सकते हैं, अगर वो हमको ना देता, हमको उनकी जगह पे खड़ा कर देता भिखारी की जगह पे, तो क्या हम उसका कुछ उखाड़ लेते। तो बस उस आँख की शर्म से मैं शूट नहीं करता, बताने का बस एक रीज़न है आप लोगों को। कई लोग शूट करते हैं इस चीज़ को, कहते हैं पंजाबी में नहीं हर लैंग्वेज में कहावत है, बुल्गेरियन में तो पता नहीं, कहते दान ऐसे दो एक हाथ का दिया हुआ दूसरे हाथ को भी पता ना लगे, तो वो बेनिफिट है। ये खूबसूरत रोड एंड तक जाएगी जी, इस पर भी सारी शॉपिंग्स की अच्छी अच्छी दुकानें हैं। फैशन सेंस अच्छी है बुल्गेरियन की जी, मतलब के मैंने बहुत सी जगह देखा है, कपड़े अच्छे पहनते हैं ये लोग, कलरिंग मतलब के स्टाइलिंग हर चीज़ में इनकी सेंस अच्छी है, और दुनिया के सारे अच्छे ब्रांड इस कंट्री में अवेलेबल है, इवन हालांकि गरीब कंट्री है। एक चीज़ और, अभी मेरे को एक बुल्गेरियन कपल मिला था, उसने मेरे को बुल्गेरियन के बारे में काफ़ी कुछ बताया। ये दुनिया की 5वीं सबसे ओल्डेस्ट सिटी है जी, ये यूरोप की पहली और दुनिया की सबसे 5वीं ओल्डेस्ट सिटी है। अगर आप विकिपीडिया पे या गूगल पे चेक करोगे, अब पहली चार नहीं मेरे को याद, भाई ये दुनिया की 5वीं सबसे ओल्ड सिटी है। चलिए इस ओल्ड सिटी के ऊपर आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करेंगे, इस खूबसूरत नज़ारे के साथ। थोड़ा सा जुकाम लग गया, ये सारा ओल्ड एरिया है जी। ये एक टर्किश रेस्टोरेंट है, यहाँ पे तकरीबन सारे टर्किश बैठे रहते हैं टर्किश टी पीने के लिए। तो इस ओल्ड एरिया के इस रोड एंड के साथ हम इस ब्लॉक को भी यहीं एंड करेंगे, और पोल्दोव के अंदर का जो बनाया हुआ ये ब्लॉक, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों को मज़ा आया होगा मेरे साथ इस दुनिया की 5वीं ओल्डेस्ट सिटी में घूम के।
तो चलिए जी, मेरे को देख के आप भी इंस्पायर हो जाइए और अपने पैशन को जिंदा कीजिए, सो दैट मरने से पहले अपना पैशन पूरा कर सकें। बट कंडीशन विल अप्लाई, किसी को बिना डिस्टर्ब किए हुए अपने पैशन को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है परिवार को तकलीफ में डाल के हम अपना पैशन फॉलो करना शुरू कर दें, वैसा नहीं है। हर चीज़ को सेटलमेंट करके, कंडीशन विल अप्लाई। थैंक यू जी, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। वाहेगुरु आप सब लोगों को खुश रखे।